हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से नॉमिक्लेचर ऑफ अल्काइन। इससे जस्ट पहले मैंने आप लोगों को अल्कीन पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने अल्कीन नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये पढ़ाया जाएगा आपको। उस वीडियो में मैंने आपको बोला है कि अल्कीन पढ़ लीजिए, अल्काइन अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अल्काइन का जनरल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, होता है CnH2n-2, वेयर n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करोगे आप, 3, 4, 5, 6 जहां तक जाइए आप। और फंक्शनल ग्रुप इसका पहचान है, अल्काइन का पहचान है कि उसमें सीसी ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी सी और सी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है आपके हाइड्रोकार्बन में, तो आप समझेंगे कि वो कैसा है हाइड्रोकार्बन, अल्काइन है, ठीक है, अल्काइन है। ओके, क्लियर। अब देखिए, क्लास 11th के अंदर आपको इसका कुछ कॉमन नेम भी आना चाहिए, तो कॉमन नेम जान लीजिए कि कैसे लिखते हैं। तो देखिए, कॉमन नेम के लिए क्या होता है, फर्स्ट मेंबर जो होता है वो एसिटाइलीन होता है। जैसे देखिए, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइलीन। बहुत फेमस नाम है ये कॉमन नेम में भी, एसिटाइलीन। अगर यही फिर यहाँ पे एच को रिप्लेस करके सी एच थ्री आ जाएगा और इधर एच ही है मान लीजिए, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलीन के रूप में लिखा जाएगा इसे, जैसे मिथाइल एसिटाइलीन, मिथाइल एसिटाइलीन, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लिया कि दोनों तरफ से एच रिप्लेस हो गया है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल एसिटाइलीन। ये हो गया मिथाइल मिथाइल, दो मिथाइल, और ये जो है ना सी सी ट्रिपल बॉन्ड, उसको एसिटाइलीन बोलते हैं, डाइमिथाइल एसिटाइलीन, क्लियर। तो देखिए, जहां पे कॉमन नेम आप नहीं लिख पाएंगे वही से शुरू हो जाता है आयुपेक नेम का लिखना। अब आयुपेक नेम आप लिखने सीखेंगे कि इसके आगे अगर मान लीजिए कि कंपाउंड में मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड हो, बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट हो, तो ऐसे केसेस में नाम कैसे लिखेंगे, उसी के लिए कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, आयुपेक नेम। तो आयुपेक नेम लिखना अब आप सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपको लॉन्गेस्ट, देखिए कुछ इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको सारा रूल्स जो है वो सेम होगा अल्कीन की तरह, ठीक है। बस आपको करना क्या है, इसका जो मेन चेन का नाम होगा उसका नाम में अल्केन में आपको क्या करना है, ए एन ई को रिप्लेस कर देना होता है, ए एन ई को हटा के वाई एन ई ऐड कर देना है, यानी अल्काइन हो गया। बस इतना, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए जितना होगा उसमें वाइन लगा देना होता है, ठीक है, पहली बात ये। और दूसरा आप करेंगे, अदर्स ऑल रूल्स आर सिमिलर टू दी अल्कीन, ठीक है, यानी अदर रूल्स आर सेम एज अल्कीन। मैंने अपने अल्कीन वाले वीडियो में आपको बोला था कि मैजिकली आप पढ़ेंगे और तुरंत कंप्लीट हो जाएगा अल्काइन, यही मैजिक है कि अल्कीन आपने पढ़ लिया है तो अब आपको कोई मुश्किल नहीं है, आपको नंबरिंग कैसे करना है वो सारी बातें आपको पता है, सिर्फ नाम में जहां अल्कीन आपने लिखा था ना वहां पे आपको वाइन लिख देना है, अल्कीन के जगह पे वाइन कर देना है, और एवरीथिंग सिमिलर, कुछ नहीं बदलेगा इसमें। इसलिए ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, फटाक से आपका हो जाएगा काम, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में आप लिखेंगे फुल नेम ऑफ कंपाउंड, कैसे लिखोगे आप, फुल नेम ऑफ कंपाउंड। तो देखिए, फुल नेम ऑफ कंपाउंड लिखने के लिए आपको करना क्या है, पोजीशन ऑफ साइड चेन लिख दीजिएगा, होगा अगर तो पोजीशन ऑफ साइड चेन, ठीक है, नेम ऑफ साइड चेन, ठीक है। उसके बाद आपको करना है अल्क डैश देना है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जो दो कार्बन के बीच में होगा तो लोअर नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वही आपका पोजीशन होता है, ये सब बताया गया है आपको, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और हाइफन देके छोटा सा वाइन।
अगर आपका क्या होता है दो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डाई वाइन, तीन होगा तो ट्राई वाइन, ऐसे करके आप लिखते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आप देखिए एग्जाम्पल बना लेते हैं हम लोग फटाक से एक दो, और देखिए सपोज कीजिए कि इसका नाम, सबसे पहले इसी का नाम लिखिए आप, जो एसिटाइलिन था उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा आपका लिखेंगे आप, तो एक दो, दो कार्बन का है ना, तो दो कार्बन से एथेन होता है, तो एथेन में से आपको क्या करना है, सिर्फ ए एन ई को हटा लेना है, ए एन ई हट गया, वाई एन ई जुट गया, तो एथाइन हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब एक सब्स्टिट्यूएंट वाला देखिए आप, जैसे आप देखें सी एच थ्री सी, सी एच थ्री सी एच थ्री सी, सी एच थ्री एच, कुछ भी आप लिखें, बस आपको रूल आना चाहिए, आप नाम लिख सकते हैं। अब आपको इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा कि आप नंबरिंग करेंगे, आपको उस एंड से नंबरिंग करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को नजदीक का पोजिशन मिलेगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बस अब क्या है फाइव पे दो और एक फोर पे है, तो फोर फाइव फाइव ट्राई मिथाइल, देखिए पोजिशन ऑफ साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन ट्राई मिथाइल, और छह का मेन चेन है तो हेक्स, टू और थ्री के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो टू लेंगे, थ्री नहीं लेंगे, टू और थ्री के बीच में है तो टू लेंगे, छोटा जो होगा मतलब दो कार्बन के बीच में है तो जिस कार्बन पे लोएस्ट नंबर होगा उसको लेते हैं टू वाइन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का नाम, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिसमें मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड मोर देन होगा तो क्या करेंगे आप, देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, तो ये देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या होगा नंबरिंग इन से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जल्दी से मिलेगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो आपका थ्री पे इथाइल है, फोर पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली आप लिखेंगे थ्री इथाइल, ये अल्केन में आपको बताया गया है, थ्री इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, फोर मिथाइल, मतलब बेसिक तो जो आपको अल्केन पढ़ाया गया है ना, जैसे जहाँ पे आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्रांच अल्केन पढ़ाया गया, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा बच्चों, आप वहां से उसे जरूर देखेंगे, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे ना तो फिर दिक्कत है आपको, ठीक है, फिर परेशानी होती रहेगी, हमेशा लगेगा कि सब चीज नया नया, उसको पढ़ने के बाद आपको सब लगेगा कि आप परिचित हैं इनसे, ठीक है। थ्री इथाइल फोर मिथाइल, और उसके बाद मेन सात का है तो हेप्ट, हेप्टा हो जाएगा क्योंकि दो डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हेप्टा पोजिशन डालिए आप वन और फाइव, वन फाइव डाई वाइन, ये हो गया। तो इस तरीके से जो मतलब जो भी रूल से आता था वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और अल्कीन वाला आप देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब आपके पास जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन जब आपने पढ़ लिया तो अब जो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, तो उस क्लास में पढ़ेंगे क्या, वैसे कंपाउंड को पढ़ेंगे जिसमें दोनों होगा, डबल बॉन्ड भी होगा ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, तो प्रायोरिटी आप किसे देंगे वो देखना पड़ेगा वहां पे, मतलब कैसे नाम लिखेंगे वो सारा कुछ वहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके, आई होप कि आपके समझ में आ चुका है, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर लिया कीजिए, और चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने हम लोग अपने मतलब यूट्यूब फैमिली को बड़ा करें, तो उसमें सपोर्ट आप ही लोगों का चाहिए, आप ही लोग उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो चलिए एक लाइक कीजिए और जुड़े रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।